ये क्या हुआ, बेन स्टोक्स अगर कोहली और रोहित होते तो मैच का नतीजा कुछ और ही होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले ODI मुकाबले के बारे में। तो जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी से वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो हम आपको बताते हैं, T20 श्रृंखला जीतने के बाद भारत को जो है श्रीलंका से 3 मैचों की ODI सीरीज खेलनी थी, और इस सीरीज़ में जो है कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी होनी थी। जैसे कि आपको बताया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य खिलाड़ी की बात करें जैसे KL राहुल और श्रेयस अय्यर भी आपको इस सीरीज़ में खेलते हुए दिखने थे। लेकिन कल जो है कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच पहला ODI मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने जो है टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और श्रीलंका की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी नहीं हुई थी, बेकार शुरुआत हुई थी। और श्रीलंका जो है पहले ODI मुकाबले में अपने 50 ओवर में केवल 230 रन ही बना पाया, और ये जो 230 रन थे इनमें भी वेला लागे और प्रथम निशंका की वजह से श्रीलंका जो है 230 के टोटल तक पहुंच पाया, क्योंकि पिच जो है बैटिंग करने के लिए लाभदायक नहीं थी। स्पिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद थी उस पिच पर, और श्रीलंका की टीम जो है केवल अपने 50 ओवरों में 230 रन ही बना पाई, और भारत को जो है 50 ओवर में 231 रन का लक्ष्य मिला। और जब भारत बैटिंग करने आई तो भारत की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ हुई थी। कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और मात्र 10 ओवरों में ही भारत का जो स्कोर है वो 70 पहुँचा दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 ओवरों में भारत का स्कोर 70 पहुँचा दिया, और रोहित शर्मा ने एक कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक भी जड़ाया। और आपको बता दें कि भारत की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी ये जो मैच रहा ये टाई रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैच रहा ये टाई रहा। आपको बता दें कि 10 ओवर में 70 रन होने के बावजूद, और बाकी जो पिच की हमने आपको बताया, पिच जो है वो काफ़ी स्पिनर के लिए मददगार थी, और जब 10 ओवर में 70 रन लग गए तो स्पिनर ने अपना जाल बिछाया और भारत के बल्लेबाजों को फंसाया, एक के बाद एक विकेट गिरते गए। हालांकि विराट कोहली, अक्षर पटेल, KL राहुल ने मैच जितवाने की कोशिश तो की, लेकिन वो भी स्पिनरों के जाल में फंसते चले गए, और आखिर में जो है भारत को जो जो स्कोर रहा वो केवल 230 रन ही रहा दोस्तों। लास्ट में हर्षदीप सिंह जब बैटिंग करने आए तो वो MS धोनी बनना चाहते थे, वो छक्का लगाकर मैच जितवाना चाहते थे। हालांकि मैच जीतने के लिए केवल 1 रन चाहिए था, जब हर्षदीप बैटिंग करने के लिए आए मैच जो है उस टाइम पर टाई हो चुका था, केवल 1 रन चाहिए था, लेकिन हर्षदीप जो है वो छक्का लगाकर मैच जितवाना चाहते थे, जिसकी वजह से हर्षदीप को अपनी विकेट गंवानी पड़ी और मैच जो है वो टाई हो गया। और भारत और श्रीलंका का जो स्कोर है वो बराबर रहा, कि दोनों टीमों ने 230 रन बनाए, और पहला ODI मुकाबला जो है ऐसे टाई रहा। तो अब देखते हैं दूसरे ODI मुकाबले में क्या भारत दूसरा ODI मुकाबला जीत कर सीरीज़ में कब्जा कर पाएगी या श्रीलंका बाजी मारेगी। आपको बताइए, जो दूसरा ODI मुकाबला ये 4 अगस्त को खेला जाएगा, तो फिर 2:30 बजे, यार ये मुकाबला दोस्तों कोलंबो में खेला जाएगा। तो आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।